ये कहानी है 2021 में आई एक इंडियन बॉलीवुड मूवी 12 o'clock की। रात के समय मुंबई की सड़कों पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कोई उसका पीछा कर रहा हो, इसलिए वो अपने चलने की स्पीड बढ़ा देता है। आगे जाकर उसे एक औरत मिलती है। वो औरत बिना कुछ कहे उस आदमी को मार देती है। सिर्फ यही नहीं, शहर के अलग अलग इलाकों में और भी मर्डर हो रहे हैं जिनका अभी तक कोई सबूत नहीं मिल पाया है। पुलिस का कहना है कि इन सभी हत्याओं के पीछे किसी साइकोपैथ किलर का हाथ है, क्योंकि मरने वालों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। शहर में एक छोटा सा परिवार रहता है। राव एक सरकारी चपरासी है और पत्नी लक्कू एक हाउसवाइफ। साथ में राव की माँ भी रहती है। राव की एक बेटी और एक बेटा भी है। राव की बेटी गौरी की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही। वो रात में उठकर पूरे घर में घूमती है और आईने में अपना चेहरा देखती रहती है और घर में भी बहुत कम बोलती है। राव समझता है कि उसकी बेटी एग्जाम्स की टेंशन में ऐसा कर रही है। शर्मा जी राव का पड़ोसी है जो अक्सर राव से हालचाल पूछता रहता है। एक दिन गौरी सड़क के किनारे खड़ी होकर काफी देर तक एक कब्रिस्तान को देखती रहती है। वापस लौटते समय शर्मा की बात का जवाब नहीं देती और घर पर भी लेट आती है। अब यहाँ पर इतना तो समझ में आने लगता है कि गौरी का शहर में होने वाली हत्याओं से जरूर कोई कनेक्शन है। रात में पेट्रोलिंग कर रहे दो पुलिस वालों को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान ना देकर आगे बढ़ते जाते हैं। रास्ते में ही उन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं जो काफी सीरियस लग रहे थे। सिपाही पूछताछ के लिए बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, लेकिन वो बच्चे अपनी जगह से नहीं हिलते और सिपाहियों को घूरते ही जाते हैं। पूछताछ के लिए एक सिपाही उनके पास जाता है, तभी एक बच्चा उसके सर में पत्थर मारकर गिरा देता है और कई सारे बच्चे आकर पत्थरों से उन दोनों पुलिस वालों को जान से मार देते हैं। एक रात राव को घर की अलमारी में कुछ खटकने की आवाज लगती है। ऐसा लगता है कोई अंदर से पीट रहा हो। डरते हुए राव अलमारी खोलकर देखता है तो उसमें गौरी बैठी हुई थी, काफी डरी हुई। किसी के समझ में नहीं आता कि गौरी अलमारी के अंदर कैसे पहुंची, इसलिए राव ये बात जाकर शर्मा को बताता है। शर्मा कहता है कि शायद एग्जाम्स की टेंशन में उसने ऐसा किया होगा। शर्मा की बात सुनकर राव को तसल्ली मिल जाती है। एक दिन गौरी का बॉयफ्रेंड उसे पार्क में घुमाने लाता है, लेकिन गौरी पानी में घुसना नहीं चाहती। उसे पानी से डर लगता है, पर वो लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे पानी में ले आता है। तभी गौरी को पानी के अंदर से बहुत सारे हाथ निकलते हुए दिखाई देते हैं जो उसी की तरफ बढ़ रहे थे, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सिर्फ गौरी का भ्रम था। इसके बाद राव गौरी को डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन वो डॉक्टर पेशेंट पर ध्यान न देकर एक नर्स के साथ नैन मटक्का करता रहता है और गौरी के लिए मल्टीविटामिन लिखकर राव को वहां से टाल देता है। घर लौटते समय गौरी को एक और भ्रम आता है, उसे सब लोग उलटे चलते हुए नजर आते हैं। रात में गौरी पानी पीने के लिए उठती है, तभी उसके सामने घर के लोग इस तरह से आकर खड़े हो जाते हैं जैसे वो उसे मारने वाले हों। लेकिन ये भी गौरी का भ्रम था, क्योंकि घर में सभी लोग सो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद गौरी चिल्लाने लगती है और डर के मारे सुकड़ कर बैठ जाती है। ये देखकर उसके पेरेंट्स की चिंता और बढ़ जाती है। इसके बाद राव फिर गौरी को अस्पताल ले जाता है। वहीं गौरी नर्स को हवस भरी निगाहों से देखती है, जैसे कोई मर्द किसी औरत को देख रहा हो, इसलिए नर्स इंजेक्शन छोड़कर चली जाती है। फिर डॉक्टर आता है इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन गौरी डॉक्टर पर इल्जाम लगाकर राव के हाथों उसे पिटवा देती है। एक दिन गौरी अपनी माँ से उसका नाम लेकर बोलती है, ए लक्कू कॉफी लेकर आ, और जान से मारने की भी धमकी देती है। पर गौरी थोड़ी ही देर में नॉर्मल हो जाती है। उसे कुछ याद नहीं रहता कि उसने किसी से क्या बोला था। ये सब देखकर राव की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए शर्मा राव से कहता है कि तुम्हें गौरी को किसी तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए और मैं एक अच्छे तांत्रिक को जानता हूँ। तभी वहीं पर गौरी आकर शर्मा की पोल खोल देती है, क्योंकि वो रोज रात में गौरी को याद करके कांड करता रहता है। गौरी उसकी एक के बाद एक सारी पोल खोलने लगती है, इसलिए शर्मा वहां से भाग जाता है। अब गौरी ने शर्मा की पोल खोल दी थी, इसलिए वो अपने गांव जाने लगता है। लेकिन बस में शर्मा को गौरी की आवाज सुनाई देती है जो धमकी देती है उसे जान से मारने की। शर्मा बस में से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर बस नहीं रोकता और बस में ही एक बच्चा आकर शर्मा को मार देता है। इसके बाद किसी अनदेखी शक्ति के द्वारा गौरी का बॉयफ्रेंड भी मारा जाता है। इसके बाद राव गौरी को एक तांत्रिक के पास ले जाता है, जो तांत्रिक कम और झल्लाद ज्यादा लगता है। वो गौरी का इलाज करने के बजाय उसे चप्पल से पीटने लगता है। उसका कहना है कि ये चोट गौरी को नहीं बल्कि उसके अंदर के भूत को लग रही है। लेकिन राव और लक्कू अपनी बेटी को पिटते हुए देखना पसंद नहीं करते और गौरी को लेकर वहां से चले जाते हैं। गौरी की बिगड़ती हालत देखकर राव अपनी माँ और बेटे को गांव भेज देता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो गौरी को किसे दिखाए जो पता लगा सके आखिर गौरी को कौन सी बीमारी लगी है।
राव अपनी परेशानी दफ्तर में काम कर रहे एक अधिकारी को बताता है और वो अधिकारी राव को एक साइकेट्रिस्ट देबू के बारे में बताता है। फाइनली देबू के सामने पता चल जाता है कि गौरी के अंदर किसी बाबू नाम के आदमी का भूत है। देबू उससे और राज जानने की कोशिश करता है, लेकिन गौरी उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती और गालियां देकर देबू को धमकाने लगती है। देबू के समझ में नहीं आता आखिर गौरी को कौन सी बीमारी है, लेकिन फिर भी वो राव से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन शहर में होने वाली हत्याओं का सिलसिला जारी है। वो नर्स और डॉक्टर भी एक दूसरे को मार देते हैं। ये सब कोई और नहीं बल्कि गौरी के अंदर का भूत करवा रहा है। आखिरकार गौरी अपने पेरेंट्स के सामने ये राज खोल देती है। शहर में होने वाली हत्याओं की इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है इंस्पेक्टर फ्रांसिस। राव अपनी बेटी की शिकायत लेकर फ्रांसिस के पास जाता है, लेकिन फ्रांसिस राव की बातों पर इसलिए यकीन नहीं करता क्योंकि कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की ये हत्याएं क्यों करेगी। इसलिए वो राव को पागल समझकर थाने से बाहर निकलवाने के लिए कहता है। तभी राव उन हत्याओं के बारे में कुछ ऐसे राज खोलता है जो पुलिस ने मीडिया तक को नहीं बताए थे, इसलिए फ्रांसिस राव की बात मानकर उसके घर आता है। फ्रांसिस के सामने गौरी के अंदर का भूत अपनी आवाज में बात करता है, एक पुरुष की आवाज में। दरअसल गौरी के अंदर एक साइकोपैथ किलर का भूत है जिसका 2 साल पहले फ्रांसिस ने इनकाउंटर कर दिया था। उस किलर की आवाज सुनकर फ्रांसिस राव को बिना कुछ बताए तुरंत वहां से भाग जाता है। गौरी की ऐसी हालत देखकर राव और उसकी पत्नी की चिंता और बढ़ जाती है, इसलिए राव तुरंत देबू को बुलाता है। गौरी देबू से उसकी माँ की आवाज में बोलती है, देबू मुझे मरना नहीं है देबू। ये सुनकर देबू को झटका लगता है क्योंकि उसकी माँ हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रही है। तभी देबू के पास फोन आता है कि 10 मिनट पहले उसकी माँ की मौत हो चुकी। अब गौरी का इलाज करना देबू के वश में नहीं था, इसलिए वो राव से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। गौरी और उस किलर के बारे में फ्रांसिस कमिश्नर को बताता है, लेकिन कमिश्नर समझता है कि फ्रांसिस बहुत टेंशन में है इसलिए पागलों जैसी बातें कर रहा है। कमिश्नर फ्रांसिस से कहता है कि तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाना चाहिए जहां तुम्हारे दिमाग को शांति मिल सके, और फ्रांसिस को किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए भी कहता है। घर जाकर फ्रांसिस गौरी और उसके अंदर के भूत के बारे में अपनी पत्नी को बताता है, लेकिन उसकी पत्नी फ्रांसिस की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेती। वो अपने पति पर शक करती है, उसे लगता है कि फ्रांसिस का चक्कर किसी और लड़की से चल रहा है। वो हमेशा उससे झगड़ती रहती है, इसलिए फ्रांसिस उसे मार देता है और फिर अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। दरअसल ये सब फ्रांसिस ने नहीं बल्कि उस किलर के भूत ने किया था। उसने पहले फ्रांसिस के हाथों से उसकी पत्नी को मरवाया और फिर उसे उसी के सर में गोली चलवा दी। इसके बाद कमिश्नर देबू के पास जाता है ताकि वो फ्रांसिस के पागलपन का इलाज कर सके। तभी उसके पास फोन आता है कि फ्रांसिस की मौत हो चुकी है। देबू कहता है कि ये सारी मुसीबत की जड़ उस लड़की के अंदर का भूत है। कमिश्नर को यकीन दिलाने के लिए देबू उसे राव के घर लाता है, जहां कमिश्नर उस किलर की आवाज को अपने कानों से सुनता है। वो किलर जितने भी लोगों को मारता है उनकी आत्माओं को अपने वश में कर लेता है और उनका इस्तेमाल करता है, और लोगों को मारने में उसने फ्रांसिस और देबू की माँ की आत्मा को भी अपने ग्रोह में शामिल कर लिया है, जिनसे वो और लोगों की हत्याएं करवाता है। इसलिए शहर में होने वाली हत्याओं का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। राव और लक्कू कमिश्नर और देबू को उस तांत्रिक के बारे में बताते हैं, लेकिन वो किलर उस तांत्रिक को भी मरवा देता है। पर मरने से पहले तांत्रिक ने उस किलर से छुटकारा पाने का राज बता दिया था। उसकी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उस जगह को तकलीफ देनी होगी जिसमें वो है, यानी कि गौरी को। और ये बात उस किलर ने भी कही थी कि उसे मारने के लिए गौरी को मारना होगा। इसलिए देबू और कमिश्नर फैसला करते हैं गौरी को मारने का, लेकिन राव अपनी बेटी को मारने के लिए तैयार नहीं होता। पर किसी तरह देबू और कमिश्नर उसे ऐसा करने के लिए राजी कर लेते हैं। इसके बाद राव और लक्कू घर आ जाते हैं। राव किलर को बातों में लगाता है और लक्कू लग जाती है उसे जलाने का इंतजाम करने में। किलर राव से कहता है कि मैं पहले देबू और कमिश्नर को मारूंगा और फिर गांव में तेरी माँ और बेटे को भी मरवा दूंगा, फिर हम तीनों आराम से रहेंगे, तुम अपना काम करते रहना और मैं अपना लोगों को मारने का काम। तभी लक्कू पीछे से गौरी के ऊपर केरोसिन डाल देती है और राव उसमें आग लगा देता है। फिर दोनों दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाते हैं। शरीर तो गौरी का जलता है पर तकलीफ उस किलर की आत्मा को होती है। अंत में देबू अपनी बेटी को इस घटना के बारे में मैसेज लिखता है। देबू की बेटी भी एक मनोचिकित्सक है। ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। किसी की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए किसी के शरीर को जलाने का तरीका मेरे समझ में नहीं आया। गौरी की मौत के बाद क्या शहर में होने वाली हत्याओं का सिलसिला रुक जाएगा, या फिर गौरी भी एक भूत बनकर अपना बदला लेगी उन लोगों से जो उसकी मौत का कारण बने थे। इसके बारे में आपके पास कोई और राय हो तो कमेंट में जरूर लिखिए।
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और नई स्टोरी के साथ।